संभल जनपद की चंदौसी तहसील में हल्की सी बारिश ने ही नगर पालिका परिषद चंदौसी की पोल खोल कर रख दी है। नगर पालिका परिषद प्रशासन द्वारा नगर के नालों की नियमित सफाई न करने के कारण शहर के सारे नाले चौक हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण नगर के सारे नाले हल्की सी बारिश में ही लबालब भर जाते हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानी पड़ती है, ठेले वाले भी नहीं जा सकते हैं, रिक्शे वाले भी नहीं जा सकते। ये पानी यहाँ पे अक्सर भरता है या आज ही भरा है? अरे हर वर्षा में भरा है, अब तो बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा पानी भरता है। नगर की मुख्य सड़क फव्वारा चौक से स्टेशन को जाने वाली सड़क है, जिस पर कोतवाली उप जिला अधिकारी का निवास, सरकारी अस्पताल तथा डिग्री कॉलेज स्थित है। बरसात के मौसम में यहाँ पर जल भराव होने के कारण लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। कुछ कहना चाहती है नगर पालिका के अधिकारियों को? आप नाले की सफाई करें, यहाँ पर रोड साफ करें। यहाँ पर स्थित दुकानों में नालों का गंदा पानी घुस जाता है और दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। ये जो आपकी दुकान के आगे पानी भरा हुआ है, इससे कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? पानी चला जाता है अंदर, गाड़ियाँ जब आती हैं तो और ज्यादा पानी अंदर जाता है और आने जाने वालों को, बच्चों को, पढ़ने वालों को जाने में परेशानी आती है। इससे व्यापार पे कितना बड़ा फर्क समझ रहे हैं आप? व्यापार तो बिल्कुल बंद हो जाता है जब पानी भर जाता है, यहाँ पे तो कोई इधर से निकलता नहीं। ये समस्या कब से चली आ रही है? ये तो कई सालों से समस्या चली आ रही है और कई बार कहा भी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। किससे कहा है आप लोगों ने? ये अंदर नगर पालिका में चेयरमैन साहब से भी कहा है, उन्होंने कहा अच्छा इसकी व्यवस्था करते हैं। इस संबंध में आपको कोई सुनवाई नहीं? इस संबंध में कभी आप यू साहब से मिले? यू साहब से कभी नहीं मिले, चेयरमैन साहब से आपने बात की है लेकिन समस्या का समाधान आपका नहीं हो पा रहा है। जल भराव के कारण बिजली के खंभे में आए करंट के कारण एक बेजुबान जानवर की भी जान चली गई है। मुझे एक सप्ताह हुआ है यहाँ से, मैं इस सारे नालों की सर्वे कर लिया है, ठीक है, जो जहाँ सफाई है मैं खुद कराऊंगा। हालांकि नाले की सफाई 15 दिन तक हो जानी चाहिए, नागरिकों के मांग के हिसाब से मुझे पुनः सफाई ठीक से कराए। लेकिन इस बार ये सुनने में आ रहा है और हमने देखा भी है कि इस बार नालों की सफाई भी नहीं की गई है बरसात से पहले। ये भी सुनने में हमें भी आया है लेकिन हम किस कराएंगे, अपना दायित्व निभाएंगे और उसे कराएंगे ठीक से। यदि इस बेजुबान जानवर की जगह कोई इंसान इस हादसे का शिकार हो जाता तो दोनों विभागों में से उस हादसे की जिम्मेदारी कौन सा विभाग लेता? करंट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। अगर यही हादसा किसी इंसान के साथ होता तो सर कितना बड़ी घटना हो सकती थी? देखिए हादसा किसी भी जान माल के साथ भी बहुत दुखद होता है और इसकी अभी मुझे जानकारी लगभग 11 बजे के करीब है, तो उस खंभे को तत्काल में सही कराया जाता है और इसको भी मैं देखूंगा कि अगर ये पूर्व में ही करंट वहाँ पे उतरने की खबर थी तो इतनी कार्रवाई इतने दिनों तक क्यों नहीं हुई, इसकी भी मैं जांच करके निश्चित रूप से जो भी दोषी पाऊंगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर ये इसी खंभे के नहीं, शहर में ऐसे कई खंभे हैं जिन पर करंट आने का, कुछ खंभों का हम लोगों ने जाँच करी थी, मौके पर पाए थे उनको। हमारा जो चंदौसी में गणेश मेला प्रारंभ होता है, गणेश मेले के प्रारंभ होने से पहले उन्हें सही कराया गया और इसमें जनता का बड़ा सहयोग रहा कि एक दिन मुझे काफ़ी देर तक बिजली भी बंद रखनी पड़ी, जनता ने कष्ट उठाते हुए भी अपना सहयोग दिया, उसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं यहाँ की जनता को और कई खंभों को करंट खंभों ने सही भी करा दिया।